असी उस घड़ी का इंतजार करांगे जब सानू स्पष्ट बहुमत की प्राप्ति होगी। अज तुसी मेरा मजाक उड़ा लो पर एक वक्त अजिहा आएगा जब लोग तुहाडा मजाक उड़ाउणगे। ये शब्द तो तुहानू याद ही होणगे जो देश के साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा अस्तीफे के दौरान कहे सन, क्योंकि 1999 दे विच सिर्फ एक वोट के कारण ही बीजेपी की सरकार सत्ता तो लांभे हो गई सी। इन्हां शब्दों का जिक्र इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो गल्लां अटल बिहारी वाजपेयी ने कहियां सन अज उस दौर तो कांग्रेस पार्टी लंघन लई मजबूर हो रही है। पिछलियां दो लोकसभा चोणां च हारन तो बाद सियासी जमीन गवा चुकी कांग्रेस पार्टी नूं मुड़ तो खड़ा करन लई एक बार फिर राहुल गांधी संघर्ष करते दिखाई दे रहे ने। देश दे दक्षणी भाग कन्याकुमारी तो शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा इस समय दिल्ली पहुंची हुई है, पर नवा विवाद राहुल गांधी दे अटल समाधि दे पहुंचन नूं लैके है। राहुल गांधी दे साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि दे पहुंचन तो बाद बीजेपी का हमला होर भी तेज हो गया है। भाजपा ने कहा कि जेकर कांग्रेस सचमुच अटल जी का सन्मान करती है तो उन्होंने अंग्रेजों का मुखबर कहने वाले गौरव पांधी को कांग्रेस तो कट देना चाहिए। मीडिया रिपोर्टों मुताबक कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती पर कहा कि 1942 अटल बिहारी वाजपेयी ने RSS के होर मैंबरों वांग भारत छड़ो अंदोलन का बाइकाट किया। उसने अंदोलन शामिल होने वाले विरुद्ध एक ब्रिटिश मुखबर वजो काम किया। गौरव पांधी के इस बयान तो बाद ही विवाद खड़ा हो गया। आखिरकार बाद विच गौरव पांधी ने अपने सोशल हैंडल तो यह पोस्ट डिलीट कर दी। दरअसल गौरव पांधी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोआर्डीनेटर नियुक्त किए गए सन। अजिही स्थिति विच बीजेपी का हमला होर भी तेज हो गया। उधर दूजे पासे कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के अटल स्मारक से जान को लेकर बीजेपी नूं पलटवार करदियां जवाब दिता। सुप्रिया ने 2002 का वह बयान याद दिलाया जो अटल जी ने अज के प्रधानमंत्री नूं राजधर्म अपनाउण बारे कहा सी। होर की कुछ कहा सुप्रिया श्रीनेत ने, आओ पहला वो सुन लेंदे हां। आप सब लोगों ने सवाल पूछा कि अटल जी की समाधि वो क्यों गए। मुझे लगता है कि वो अटल जी की समाधि भी गए, वो चौधरी चरण सिंह जी की समाधि भी गए, वो शास्त्री जी की समाधि भी गए, महात्मा की समाधि भी गए, नेहरू जी की भी समाधि गए, इंदिरा जी पर भी गए और राजीव जी पर भी गए। शास्त्री जी का मैंने बोला। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी एक तपस्या पर निकले और वो कहते हैं ये कि मैं एक तपस्या पर निकला हूं, मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या के स्वरूप है। और जब आप तपस्या करते हैं तो आप सबको जोड़कर चलने की कोशिश करते हैं। हमारा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अगर यात्रा में शामिल होना चाहें, जो पहले हाथ बांध के दफ्तरों के ऊपर खड़े रहते थे और अब अभिवादन करते हैं हाथ जोड़कर जब हमारी यात्रा उनके दफ्तरों के बाहर से निकलती है, ये बदलते भारत का स्वरूप है। अटल जी की जहां तक बात है, हर व्यक्ति का इस देश को बनाने में कॉन्ट्रीब्यूशन है और जब राहुल जी वहां जाते हैं तो वो एक ऐसे व्यक्ति की समाधि पर गए जिन्होंने 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री को और आज के प्रधानमंत्री को राजधर्म की शिक्षा दी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को अटल जी की समाधि पर देखकर आज के प्रधानमंत्री को अपना राजधर्म जरूर याद आना चाहिए और उनको उसका पालन करना चाहिए जो अटल जी उनको कभी सिखाना चाहते थे। राजनीति बड़े मन से की जाती है और वही काम राहुल गांधी जी ने किया। आज कांग्रेस पार्टी नूं मुड़ तो खड़ा करने लई राहुल गांधी की पैदल यात्रा का असर किधरे ना किधरे जरूर दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि बीजेपी लगातार हमलावर होंदी जा रही है। पर पिछले कुछ समय दौरान जिस तरह राहुल गांधी की राजनीतिक शख्सियत नूं सवालों के घेरे दे विच लिया गया अते उही गल्लां हुण इस भारत जोड़ो यात्रा दे विच पक्ष पूर्तियां नज़र आ रही ने।
फिलहाल लोग सभा चोणां दा सफर अजे थोड़ा दूर है, पर इस तो पहला राहुल गांधी नूं एक मजबूत लीडर वजों लोग स्वीकार करनगे जां नहीं इह तां आउण वाला समां दसेगा। पर राहुल गांधी दे अटल स्मारक ते जाण तों बाद आम लोकां च राहुल गांधी दी शख्सियत नूं होर वी चंगी नज़र नाल देखिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चंडीगढ़।